चलते चलते पग थका, नग्र रहा नौ कोस। बीचे में डेरा परा, कहो कौन को दोष। साहब कितनी बातें बुझव्वल में कहते हैं, सांकेतित वचन। चलते चलते पग थका, किसी नगर को आदमी जा रहा था, चलते चलते उसके पैर थक गए और नगर नौ कोस अभी बाकी रह गया। अब बीच ही में डेरा पड़ा, बीच में ही उसका डेरा पड़ गया। डेरा पड़ना पड़ाव पड़ना, कहो कौन को दोष। साहब कहते बताओ किसका दोष है। वे श्रोता से पूछते हैं बताओ किसका दोष है। चलने वाले का दोष है, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ करके वो रास्ता चला नहीं। अनाड़ी आदमी स्वयं और दूसरे भी अनाड़ी मिल गए, कौन रास्ता बताए। जीवन यात्रा करते करते थक गए, बूढ़े हो गए, आंखें कमजोर हो गईं, कान कमजोर हो गए, हाथ पैर में बल नहीं रहा वैसा, सोचने की शक्ति भी घट गई, लेकिन नगर नौकोस बाकी रह गया। नगर कहाँ है? निर्भय भय ता गुर की नगरियां, सुख सोए दास कबीरा हो। माझ मझरिया बसे सुजाने, जन हुई हैं सो थीरा हो। निर्भय भय ता गुर की नगरियां, सुख सोए दास कबीरा हो। जो माझ मझरिया में बसना जानेगा वही स्थिर होगा। माझ मझरिया बसे सुजाने, जन हुई हैं सो थीरा हो। माझ मझरिया का अर्थ होता है बीच में, इसका अर्थ होता है अपने आप में। जो अपने आप में बसना जानेगा वो स्थिरता पाएगा। निर्भय होकर के गुरु के नगर में कबीर सुख से सो रहे। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरियां, सुख सोए दास कबीरा हो। गुरु का नगर कहाँ है? बाहर गुरु का नगर है सत्संग, भीतर गुरु का नगर है स्वरूप स्थित। पहले तो सत्संग आधार होता है, तब स्वरूप स्थित मिलती है, जो करना चाहे उसको, न करना चाहे तो जीवन बीत जाता है, नहीं मिलती है। चलते चलते पग थका, आदमी जब थोड़ा जवान होने लगता है तब उसके प्रोग्राम बनने लगते हैं। पढ़ लिख लेता है, एक लक्ष्य स्थिर करता है क्या करना है, और बड़ी बड़ी भावनाएं रहती हैं। पढ़ने लिखने वाले लड़के सोचते हैं कलेक्टर बनूंगा, कमिश्नर बनूंगा, इस ढंग से होगा, उस ढंग से होगा, ऐसा बंगला होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसी गामा गामी हमारे जीवन में होगी। वो सब नहीं होता है, किसी किसी को होता है लेकिन वो फीका लगता है। कलेक्टर होने के बाद, कमिश्नर होने के बाद उनको फीका लगता है। कलेक्टर कमिश्नर भी मिलने आते हैं और वो जब अपनी व्यथा कहते हैं
तब पता लगता है। विवेक से तो वैसे जाना जाता है। अभी गत वर्ष एक कमिश्नर रिटायर्ड हुए, मिलने आए, इलाहाबाद से दूर उनका शहर है, उनका लड़का भी साथ में था। उन्होंने कहा, साहब अब पापा बोर हो रहे हैं। तो उन्होंने हंस करके कहा, क्या करूं, 4 घंटा तो पढ़ता हूं सदग्रंथ, अब कितना पढ़ूं। तो उनकी विशेषता है कि 4 घंटा सदग्रंथ पढ़ते हैं 24 घंटे में, लेकिन बोर हो रहे हैं। पोस्ट पर थे तो बिना टाइम के लोग घिरे रहते थे, दिन भर गहमा गहमी, अब कोई पूछने वाला नहीं, कोई पास में आने वाला ही नहीं। जब पास में आने वाले होते हैं उस समय भी संतोष कहाँ होता है? संतोष बाहर मिल ही नहीं सकता है। हम दूसरे की लौकिक उच्च स्थिति देख करके आकर्षित होते हैं, एक भ्रम, और उस स्थिति में वह व्यक्ति है और उसको निराशा होती है, असंतोष होता है। शहरों में बड़े बड़े भवन, डाबर, भंडारी, कुठारी, अग्रवाल, अनेक माड़ेवारियों के भवन, कलकत्ता जैसे नगरों में, अलीपुर में उनके सब भवन हैं, फिर न्यू अलीपुर में, दूर से देख करके लगता है इसमें जो रहने वाला होगा क्या पूछना है। लेकिन उसमें रहने वाले जब मिलते हैं तो देखा जाता है उनकी क्या दशा है। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, वो दोहा तो इस समय याद नहीं, भाव याद है। लोग स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जिन सुखों का वर्णन है, ऐसे सुखों को प्राप्त लोग जो यहाँ पर हैं उनको देख लो कितने सुखी। उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, स्वर्ग में लौकिक सुखों को उत्कर्ष रूप दे करके बताया गया है, लेकिन दुनिया में भी वो सब चीज़ें तो हैं अपने ढंग से, और उसको पा करके कितने लोग सुखी हैं। तो एक तो जिन लौकिक ऐश्वर्यों के विषय में हमारे मन में कल्पना होती है वैसा मिलता ही नहीं, और जब मिलता है तो मिल जाने के बाद तब असंतोष होता है कि वैसा नहीं मिला। सुंदरी पत्नी मिली, कुछ दिन के बाद लगता है ये अंग कमज़ोर है, ये अंग छोटा है, ये बढ़िया नहीं है। ऐसे पत्नी को पति के विषय में स्वभाव का अंतर, बिल्कुल अनुगामी नहीं मिलते हैं। जैसे उंगली का इशारा करो पत्नी उसी प्रकार नाचे, नहीं हो पाता। या पत्नी पति को जैसे चाहे वैसे घुमाए, ये भी बड़ा मुश्किल है, आपस में खटपट हो जाता है। लड़कों के लिए तो सबको बड़ी कामना रहती है, जब मेरा लड़का बड़ा होगा मैं मूछ फुला के बैठा रहूँगा, वो सब काम करता रहे, काम करता भी है, लेकिन कामनाएं किसकी पूरी हो गई हुई हैं? जब लंबी लंबी कामनाएं होंगी कौन पूरा करेगा? आप दूसरे की कितनी कामनाएं पूरी करते हैं? अपने माता पिता के इशारे पर कितना आप नाचते हैं? एक भ्रम जाल। जिंदगी भर आदमी भ्रम में जीता है और भ्रम में ही जीवन कट जाता है, और हाथ में मिलता क्या है? कूड़ा कबाड़, मन का कूड़ा कबाड़, मन का क्लेश, मन का विकार, मन की मलिनता, और वही सब जीव को काटती है रात दिन।
चतुर तो सब बनते हैं। अपने को कोई कम बुद्धि वाला मानने को तैयार नहीं, सभी लोग चतुर बनते हैं। चतुर वह है जो नगर को पहुंच जाए, जीवन बीत गया नगर को नहीं पहुंचे। नगर पहुंचना है आत्मशांत, जहां पूर्ण विराम है, जहां से फिर चलना नहीं। आत्मशांत के बाद फिर चलना नहीं होता है। धार्मिक क्षेत्र में अलग से ईश्वर पाने की कल्पना बहुत है, पूरा काल से ये धारणा है। पौराणिक काल में इस धारणा की बड़ी वृद्धि हुई है। उपनिषदों में ऋषियों ने साधकों को, जिज्ञासुओं को अपने तरफ लौटने की राय दी है। वेद में कहीं कहीं जो अध्यात्म के वचन हैं उसमें भी ऐसे इशारे हैं। उपनिषदों में तो काफ़ी इशारे हैं, शास्त्रों में भी हैं। प्राक इतिहास काल में हुए कपिल जी महाराज, आत्म केंद्रित बोध उन्होंने दिया, स्वरूप का ज्ञान। लेकिन दुर्भाग्य है परंपरा का कि इन सब विचारों का विकास नहीं किया गया। पंडित लोग, महात्मा लोग ज़्यादातर सस्ते सस्ते नुस्खे देने के चक्कर में पड़ गए। वे सस्ते नुस्खे देने लग गए बिना मेहनत के, बिना साधना के, बिना तप के सब सिद्धि प्राप्त करने का झांसा देना शुरू कर दिए। और उसका परिणाम हुआ कि आत्मज्ञान दब गया, पाखंड बढ़ गया। बाहर परमात्मा पाने की भावना बहुत बड़ी, इसके लिए पुराणों महाकाव्यों में रोचक रोचक कहानियां बनाई गई, सब काल्पनिक है। परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, समझने की वस्तु है और ठहरने की वस्तु है। पाई वह चीज जाती है जो बाहर की होती है, चल करके बाहर की मंजिल मिलती है, रुक करके भीतर की मंजिल मिलती है। रायपुर पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, और परमात्मा के धाम में पहुंचना है तो रुकना पड़ेगा। रुकने का मतलब है मन की स्थिरता। पैर का रुकना महत्व नहीं रखता इसमें, पैर तो चलेंगे ही, जब तक जीवन है पैर चलेंगे, जरूरत है, चलना फिरना जरूरी है। रुकने का मतलब है स्थिर हो जाना, चित्त स्थिर हो जाना, संतोष हो जाना। पहले तो बोध होना चाहिए, बोध ही नहीं है। बोध हो कि आत्म संतोष ही मंजिल है, आत्म संतोष ही अपना खास नगर है, ये समझ हो, और समझ के साथ फिर अभ्यास शुरू हो। ध्यान क्या है? बारंबार अपने में लौट आना। अपने में लौट आने का मतलब है मन स्थिर हो जाना। अपना आप ही है, मन स्थिर हो गया बस अपने आप में आ गया, मन संयत हो गया। एक मन स्थिर होना है संकल्प शून्य होना, और एक मन स्थिर होना है उद्वेग शून्य होना। मन स्थिर होना यानी संकल्प छूट जाना, ये कुछ समय के लिए होगा, लेकिन परिपक्व साधक का मन उद्वेग शून्य सब समय रहेगा। उद्वेग शून्य अपने आप को बनाए रखने के लिए सावधानियां भी चाहिए, क्योंकि जीवन
केवल अध्यात्म में नहीं चल सकता है, चारों तरफ तो व्यवहार है, नींद खुली और व्यवहार शुरू, साथी बराती सामने आ गए और किसी का व्यवहार अनुकूल नहीं पड़ा, उद्वेग आने का चांस है। कुछ अपने मन के अनुसार नहीं हुआ, उद्वेग आ सकता है, सावधान न रहें तो। व्यवहार में सर्वत्र खटपट है, विचारों की भिन्नता, स्वभावों की भिन्नता, संस्कारों की भिन्नता, गुण कर्मों की भिन्नता, योग्यताओं की भिन्नता, जो अपने स्वजन हैं, प्रिय हैं, उनमें भी भिन्नता बनी रहती। दो मित्रों के पारस्परिक संबंध मधुर होते हुए भी दोनों के विचारों में, संस्कारों में, स्वभावों में, गुणकर्मों में अंतर रहता है। ऐसे अंतर को सह करके निभाया जाता है, न सहा जाए तो एक दिन चलने वाला नहीं। तो उद्वेग शून्य मन इस साधना की परिपक्वता है। अपने को उद्वेग शून्य की स्थिति में ले चलो। साधक ये देखता है कि 4 वर्ष के पूर्व जो मेरे मन में उद्वेग था वैसा नहीं, काम का उद्वेग जैसा था काफ़ी घट गया, क्रोध का, मोह का, प्रतिकूलता आने पर जो उद्वेग आता था काफ़ी कम हो गया। तो समझ लो उन्नति हो रही है। निरंतर उद्वेग शून्यता की तरफ चलना, ये साधना की सफलता का लक्षण है। उद्वेग अगर बढ़ रहा है, क्लांत, पीड़ा, दुख, तो समझ लो पतन हो रहा है। पहले की अपेक्षा अगर उद्वेग बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है, शिकायत बढ़ रही है मन में, लोगों के लिए मन में क्लेश बढ़ रहा है, तो समझ लो कि पतन हो रहा है। ये पतन में कोई अन्य कारण नहीं है, हम स्वयं कारण हैं। बहानेबाजी तो बहुत है, साथी लोग ठीक से रहने नहीं देते हैं, क्या करूं? कौन ठीक से नहीं रहने देता? सबको ठीक करके ठीक होना चाहते हो? आज तक कोई ऐसा हुआ है जो सबको ठीक करके तब ठीक हो? पूरी दुनिया में चाम बिछा करके राजे महाराजे भी नहीं चल सकते, लेकिन अपने पैर में चाम की जूतियां पहन लेने पर एक साधारण आदमी भी जहां चलता हो हर जगह मानो चाम बिछाया है। सबका मुंह बंद करके तब आप चाहते हैं शांति मिले? कब होगा? अपना मुंह बंद करो, अपने अहंकार को मिटाओ, बहुत सरल काम है। एक दूसरे के अहंकार को कैसे मिटा सकता है? अपने बच्चे के अहंकार को आप नहीं मिटा सकते हैं। बच्चे के मन में जब ऐसा आ जाएगा कि हमारे अनुकूल नहीं हुआ, वो भड़क जाएगा, और समझा करके उसको रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए साधक जो समझदार है वो तो ये मानता है कि पूरी दुनिया की करुणा हमारे ऊपर है, सब मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं छोटे बड़े, हमें अपने को संभालना है। निरंतर अपने को संभालो। अपने आप में लौट आना, अपने नगर में पहुंचना है। चलते चलते पग थका, बालकपन से लेकर के बुढ़ापा आ गया, लेकिन विश्राम नहीं मिला,
संतोष नहीं मिला, कलह नहीं गया मन का, काम कीचड़ मन का विकार गया नहीं, अहंकार में ठेस लगते ही सांप फनफना पड़ता है, लालसाएं खाने पीने की लालसा बहुत बड़ी दरिद्रता है। खाने पीने की लालसा जो रखेगा शांति नहीं पाएगा, भूख लगने पर जो मिल जाए उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सात्विक हो, सुपाच्य हो, स्वच्छ हो और स्वल्प कम खाया जाए, बस इतना गुण काफी, सात्विक हो, जल्दी पचने वाला, किसी को मार धर करके न हो, धोखाधड़ी दे करके न हो, जल्दी पचने वाला हो, संतुलित खाया जाए, जो मिले बस ठीक है, किसी चीज को लेकर के मन में राग रंग है तो साधना में आगे आदमी बढ़ नहीं सकता। सहज प्राप्त भोजन वस्त्र आवास जो कुछ है सब ठीक है, अपने मन को मांझना है, सबसे बड़ा काम है अपने मन को मांझना। बाहर का ठाट बाट करते, बड़े बड़े रजोगुड़ी झां झां करते मर जाते हैं, बूढ़ा हो करके झां झां करते रहते हो, ठाट पाट उनके पास बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, दिखावा बहुत है, कहीं शांति मिलती है? चलते चलते पैर थक गए, नगर नौ कोस रह गया, नौ कोस साहेब क्यों कहते हैं, दस क्यों नहीं कहते, आठ क्यों नहीं कहते, अंक नौ ही होते हैं, अंक दस नहीं होते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बस, फिर बिंदु लगा करके दस और फिर आगे बढ़ाया जाता है, घूम घुमा करके नौ ही अंक रहते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में एक कहावत है, ना नौमन तेल जुरेगा ना राधा नाचेंगे। अवध क्षेत्र में या हिंदी क्षेत्र में ज़्यादा इसे कहते हैं। कबीर साहब ने बारंबार नौ कहा है, नौ से अभिप्राय है संख्या की अधिकता, नौ से अधिक संख्या है ही नहीं, अंक है ही नहीं है, संख्या तो है अंक नहीं, उसी को घूम घुमा करके बढ़ाया जाता है, तो नौ से अभिप्राय है बहुत ज़्यादा। चलते चलते पग थका नग्र रहा नौ कोस, चलते चलते पैर थक गए, नगर अभी बहुत दूर है, बीच में ही डेरा पड़ गया। जो समझदार है उनको पछताना पड़ेगा, जो नहीं समझदार है उनकी तो बातें छोड़ो, लेकिन जो समझदार हैं अगर वह साधना का काम नहीं करते हैं तो चलते समय पछताना पड़ेगा। जब देखेंगे कि जिसको मैंने सब कुछ माना अब वो कुछ नहीं हो रहा है, सदा के लिए पर्दा गिर रहा है और सदा के लिए इससे वियोग हो रहा है, अब कभी मुलाकात बाल बच्चों, घर द्वार, सड़क गलियां और जो कुछ अपना मान रखा है उससे होने वाला नहीं है, तब पश्चाताप होता है कि मैंने क्या किया, क्यों अपने को धोखा दिया। इसलिए समझदार को पहले से सावधान होना चाहिए, दुनिया में अपने को डुबाओ मत, जो जिम्मेदारी है काम करो, अपने को डुबाओ मत, डुबा के मत रखो। बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है, कमल पत्र हैं संतजन रहें जगत के माए,
बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। संतजन कमल पत्ते की तरह रहते, कमल फूल की तरह। पानी में कमल पत्ते और कमल फूल होते हैं, लेकिन वो पानी से सदैव ऊपर रहते हैं। अगर पानी बरसे और बढ़ जाए तो कमल के डंडे बढ़ जाते हैं और ऊपर ही वो रहते हैं। और बालक की धाय, धनी घरानों में नौकरानियाँ जो बच्चों को पालती हैं, वो पालती तो हैं, पोसती हैं, प्यार करती हैं, उपटन करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन अपना नहीं मानती और काम करने में कोई कोर कसर नहीं रखती है। इसी प्रकार हमें इस संसार में जीना चाहिए। जिम्मेदारियां भी ये सोचना चाहिए कि जिम्मेदारी कितनी। जिम्मेदारी जिम्मेदारी का बहाना लेकर के जीवन भर जूझते रहना कोई समझदारी नहीं। समय होता है जिम्मेदारी की। समय बदलने पर जिम्मेदारी में अंतर आना चाहिए। आदमी को निकम्मा कभी नहीं होना चाहिए। बूढ़ों को भी श्रमशील होना चाहिए। श्रम करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, अपना मन भी अच्छा रहेगा। इसलिए निकम्मा होना तो कभी ठीक नहीं। लेकिन जिसको लोग कहते हैं जिम्मेदारी, वो आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारी लेकर के आदमी अपने को उलझाता है और समझता है मैं बड़ा कमासुत हूँ, आत्मकल्याण का काम करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं। जो जीवन का असली हिस्सा है वो बचा रह जाता है परिचय से, यही धोखा है। ये कबीर साहब का व्यंग, इसको हम सब स्वीकारें। चलते चलते पग थका, नग्र रहा नौकोश, बीच ही में डेरा परा, कहो कौन को दोष। ये हम लोगों पर व्यंग है। शुरू से जब से होश में आए आज तक चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? सुख के लिए। एक युवक युवती से सुख की कल्पना किया और एक युवती युवक से, दोनों मिले और सुख नहीं मिला। फिर बच्चे की कल्पना किए, बच्चे भी हुए लेकिन सुख नहीं मिला। पैसे की कल्पना किए, पैसे भी काम भर के हुए लेकिन सुख नहीं मिला। पद की कल्पना की, पद भी किसी किसी को मिला लेकिन सुख नहीं मिला। सुख आगे निकल जाता है, पकड़ में आता नहीं। दुनिया की कुछ चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, वो पकड़े तो नहीं रख सकते। पद आता है, चला जाता है। अभी जब नवंबर में दिल्ली में मैं था तो संसद भवन के पास एक घर जाना हुआ तो कहे साहब यहीं पर वो सब है क्षेत्र, अभी आपके प्रवचन का समय नहीं है, गाड़ी पर ही थोड़ा घुमा दें। तो गया तो कई बार हूँ, मैंने कहा ठीक, घुमा दिए उधर। एक ही 2 किलोमीटर पर वो सब क्षेत्र, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राजभवन, खुली जगहें देखा। ध्वजाएँ झुकी हैं, मैंने कहा भाई क्यों झुकी हैं? कि पूर्व राष्ट्रपति मर गए। एक बार शायद छत्तीसगढ़ के लिए ही चला था तो इलाहाबाद स्टेशन पर आया तो बड़ा प्रबंध था। मैंने कहा ये प्रबंध कैसा है? तो कहे राष्ट्रपति आ रहे हैं।
वो राष्ट्रपति जी यहाँ के थे, मध्य प्रदेश के हुए थे। कई वर्षों के बाद, एक दो वर्ष हुआ होगा, फिर ही छत्तीसगढ़ आ रहा था। तो स्टेशन पर जब पहुंचा, तब भी देखा बहुत सावधानी, बड़ी सतर्कता, बड़ी साफ़ सफाई, क्या मामला है। कहे राष्ट्रपति का भस्मावशेष आया गंगा जल में प्रवाहित करने के लिए। तो ये दशा आती है पोस्ट पर पहुंचने की और भस्मावशेष आने की, कुछ रहता नहीं, पकड़ में आता नहीं है। दुनिया की वस्तुएं भी पकड़ में आती नहीं, कुछ समय के लिए आती हैं, लेकिन सुख पकड़ में नहीं आता है। वहाँ पहुँच करके भी सुख आगे निकल जाता है। आज के जो राष्ट्रपति हैं उनसे शायद कोशिश की गई कि आगे भी आपको राष्ट्रपति पद देने की इच्छा है, उन्होंने इनकार कर दिया। सुना हूँ किसी से, नहीं अब नहीं। वो तो बहुत विवेकी आदमी हैं, अब आगे जो हो। तो पद निकल जाता है आगे, धन निकल जाता है, सब निकल जाता है, सब छूट जाता है, आगे क्या पीछे रह जाता है। और सुख पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि सुख कहीं है ही नहीं, न पद में है, न धन में है, न स्त्री के शरीर में है, न पुरुष के शरीर में है। यही सोच लो, एक युवक एक युवती के शरीर में सुख की कल्पना करता है। अगर युवती के शरीर में सुख है तो अपने सुख को लेकर के वो मालामाल रहे, लेकिन वो सुखी नहीं है। वो युवक के शरीर में सुख की कल्पना करती है, और युवक के शरीर में सुख है तो युवक अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे, लेकिन वो युवती के शरीर में सुख की कल्पना करता है। दोनों भ्रम में रहते हैं। इसी प्रकार आदमी जीवन भर भ्रम में जीता है, विषयों को लेकर, परमात्मा को लेकर। परमात्मा कहीं बाहर मिलेगा, हाथ पैर वाला, या निराकार निर्गुण भी। निराकार निर्गुण के लिए भी मिलने की लोग चेष्टा करते हैं। सांसारिक भोग और मोक्ष और परमात्मा, ये सब के लिए परोक्ष में धारणा है, बाहर मिलता है। बाहर ना सांसारिक पदार्थों में भटकने से सुख मिलेगा, और न बाहर कहीं परमात्मा और मोक्ष मिलता है। मोह का छह मोक्ष है। मोक्ष एक अवस्था है, निर्विकार अवस्था, वो आपकी अवस्था है। मन निर्मल हो गया, मोक्ष हो गया। आत्मा, अपने को समझ लिया, अपने में संतुष्ट हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा मुख्य है। प्रेत आत्मा का अर्थ होता है गया हुआ आत्मा, प्रेत का अर्थ ही होता है गया हुआ। दुष्ट आत्मा का अर्थ है खराब स्वभाव का आत्मा। शुद्ध आत्मा का अर्थ है पवित्र आचरण वाला आत्मा। महात्मा का अर्थ है इंद्रियजयी आत्मा। परमात्मा का अर्थ है गुणातीत स्थित वाला आत्मा। परमात्मा, परमात्मा, परम स्थित को जो पा गया, गुणातीत अवस्था। गुणातीत अवस्था का अर्थ है मन की सारी गांठों का कट जाना। कोई गांठ जीवित रख करके क्या पाएंगे? कल्याण का समय कब आएगा? कल्याण का समय आज ही है। तो परमात्मा बाहर नहीं मिलता है,
मोक्ष बाहर नहीं मिलता है, लेकिन इसके लिए भी बड़ी भ्रम धारणा है, लोक लोकांतर की कल्पना है। एक लोक है और सभी संप्रदाय वालों के अलग अलग लोक हैं। गोलोक कृष्ण उपासकों का है, शिवलोक शैवों का है, साकेत लोक राम उपासकों का है। सतलोक वेद में भी आता है और निर्गुणी धारा वाले सतलोक को मानते हैं और सतलोक कहीं है, लेकिन सतलोक जनलोक तपलोक शिवलोक गोलोक साकेत लोक वैकुंठ लोक स्वर्गलोक आत्मलोक के अलावा कुछ नहीं। वैकुंठ का अर्थ ही होता है विकुंठ हो जाना, विकुंठ कुंठा रहित, इसी को वैकुंठ कहते हैं। कुंठा रहित हो जाओ, ग्रंथि रहित हो जाओ, कॉम्प्लेक्सेस फ्री, कोई कॉम्प्लेक्स मन में नहीं। स्वर्ग स्वामे गमन है, स्वग स्वर्ग, स्वनाम खुद गानाम गमन, खुद में लौटाना स्वर्ग है। ऐसे विचार वेद काल और वेद के पूर्व काल में भी रहे हैं। एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वेदों पर निरुक्तकार कई हुए हैं, लेकिन यास्क मुनि का निरुक्त उपलब्ध है और किसी का नहीं। यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं। उन्होंने अपने निरुक्त में 22 निरुक्तकारों का नाम लिया है और उनका मत दिया है, लेकिन उन 22 निरुक्तकारों का कहीं कुछ नहीं मिलता, लुप्त हो गया। वे जानते थे, यास्क मुनि ने चाहे पहले से निघंटु बना हो, चाहे उन्होंने ही बना दिया हो, शब्द कोश एक बना, वेदों के शब्दों का कोश जिसको निघंटु कहते हैं, उसी पर उन्होंने भाष्य किया है। एक एक वस्तु के नाम 10, 20, 25, 50, 100 तक हैं और कहीं कहीं तो एक दो नाम की परिभाषा कर दी, बाकी छोड़ दिया। लेकिन जितना उन्होंने किया है वेदों को समझने के लिए, वे मानो आँखें बन गई हैं। निरुक्त पढ़ करके वेदों को समझना सरल होता है। अब तो 70-80 वर्ष पूर्व से मैकडॉनल का वैदिक मैथोलॉजी है, जिसको पढ़ करके वेदों को समझना सरल होता है। यास्क मुनि ने वेद के मंत्रों को उठाया है, उसका भाष्य किया है कुछ मंत्रों का, और उसमें मत दिया है कि अमुक निरुक्तकार का इस पर ये विचार है, अमुक का ये विचार है, ऐतिहासिक लोग इसका ये अर्थ करते हैं, और कर्मकांडी लोग ये अर्थ करते हैं, लेकिन आत्मवादी लोग ये अर्थ करते हैं। मैंने निरुक्त में पढ़ा जहाँ जहाँ आत्मवादी का अर्थ बिल्कुल हम लोगों के शरीर का विचार, तो आत्मवादी पहले भी होते थे। जो बारंबार ये कहते थे कि सत्य खोजने की वस्तु नहीं है, सत्य स्वयं आत्मा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त, ये वेद में आता है, ऋग्वेद में। तो एक सत वहाँ आदित्य है, सूरज। प्रकरण देखिए, खूब खुलासा है, मैंने वेद क्या कहते हैं मैं सब लिखा है। अब तो वेद को समझने के लिए वेद क्या कहते हैं जो मेरी पुस्तक है, आप मनन पूर्वक पढ़ें, सब सामने हो जाएगा।
अनेक संदर्भों को देखा गया तो आत्मवादा निरुक्तकार कहते हैं, जो आत्मवादी लोग हैं उसका ये अर्थ मानते हैं। आत्म अनुसंधान करने वाले पुराकाल से हैं, इसीलिए पारख जीव का स्वरूप है। ये पारखी संत जो कहते हैं सही कहते हैं। श्री काशी साहेब ने तो अपने ग्रंथ में लिखा है, पारखी संत युग युग से होते आए हैं। वो केवल कबीर साहेब से नहीं सीमित करते हैं, युग युग से होते आए। जीव का स्वरूप ही पारख है, परखना, तो उसको कबीर साहेब से ही सीमित क्यों कैसे किया जाए। हाँ ये जरूर है कि कबीर साहेब ने उसका खुलासा किया है और उसका स्वरूप प्रतिष्ठित किया है। यत्र तत्र शास्त्रों में उसके अंश हैं, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके बोध नहीं होगा, क्योंकि फिर विपरीत भी है। कबीर साहब ने उसको साफ किया है, इसलिए वे आज के युग के पारख सिद्धांत के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। किंतु ऐसे पारख परखना समझना, जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहाँ हुए स्थिर तो नहीं जाई ब्रह्म को, जिससे तूने सबको परखा वो पारख निज रूप है। तहाँ हुए स्थिर तू, वहीं तो स्थिर हो जा, नहीं जाई ब्रह्म को, झाई में न जा, ब्रह्म कुएं में न जा। इस सखी में ये अंश बहुत महत्वपूर्ण है, जाते सकलो परखिया सो पारख निजरो, जिससे तू सबको परखता है वही पारख है। किससे परखता है? स्व से, स्वाही पारख है, स्वनाम खुद सेल्फ, स्वतः अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम बोध प्रत्यलंबन। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम बोध प्रत्यलंबन। अस्ति नाम है, कश्चित नाम कोई, अस्ति कश्चित स्वयं, स्वयं नाम खुद, नित्यम सदा, बोध प्रत्यय बोध प्रवाह ज्ञान का प्रवाह, लंबना आलंबना सहारा, इसका सामूहिक अर्थ हुआ कोई स्वयं नित्य सत्ता है जो बोध का आधार है, लेकिन उसमें स्वयं कहते पर नहीं, स्वयं कोई कह देते हैं। ये समझ लो जो ज्ञान विज्ञान चल रहा है उसका कोई साक्षी है, उसका कोई प्रेरक है, उसका कोई ममता दृष्टा है। वो कौन है? आप खुद, आप हैं, आप हैं, सब सजाती है। तो ये जो स्वयं स्वरूप है यही पारख है, पारख नाम ज्ञान। अब वहीं पर स्थित हो जाओ, ब्रह्म कुएं में न जाओ। और इसका स्वर हम देखते हैं कि निरुक्तकार जो आत्मवादी हैं वे भी देते हैं। उपनिषद में परोक्ष ब्रह्म और अपरोक्ष ब्रह्म दो की चर्चा है। ये जगत कैसे बना ये प्रश्न करने वाले सब समय में लोग थे, इसके समाधान में परोक्ष ब्रह्म की कल्पना कर डाली गई। एक ब्रह्म है जिसने जगत बना दिया, ये सब उलझी बातें हैं। जगत बना क्या कोई देगा? जगत है ही, मिट्टी पानी आग हवा को कोई बना नहीं सकता, तो है ही, मूल द्रव्य है ही, जड़ चेतन है ही, उनके गुणधर्म हैं, उनके गुणधर्मों से सब चल रहा है। इसमें कौन एक नए सिरे से बनाता है? वेद के ऋषि भी कहते हैं, को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनमंतम यदनस्था विवर्ति। को ददर्श, किसने देखा प्रथमम पहले पहल जायमानम उत्पन्न होते, को ददर्श प्रथमम जायमानम
स्तनवंतम यद अनस्था विभर्ति, जो अनस्था है वह स्तनवंतम को अपने में विभर्ति धारण करके गतिशील है। उस अनस्था को किसने पहले उत्पन्न होते देखा है? अस्थि रहित, हड्डी रहित, प्रकृति हड्डी रहित है और ये संसार हड्डी वाला है, पेड़ पहाड़ जंगल और काटा खाई, नगर रेगिस्तान बर्फीली जगहें, ये सब हड्डी युक्त है, अस्थि युक्त है, पार्थिव है, अर्थ हुआ कि पार्थिव है, आकार वाला है। लेकिन इसको कौन धारण किया है? जो अनस्था है, हड्डी रहित है, अपार्थिव है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म प्रकृति ने ही इस सारे विशाल ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। और उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? कितनी बढ़िया बात है, एकदम पारखी बुद्धि। मूल द्रव्य को उत्पन्न होते किसने देखा है? मूले मूला भावाद मूलम मूलम, ये कपिल जी महाराज ने कहा है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ चेतन दोनों मूल हैं, इनका मूल और कोई नहीं, ये स्वयं अमूल है। अगर कहो परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया? तो कहें कि परमात्मा तो स्वयं है, तो अमूल हुआ, वो सबका मूल हुआ। लेकिन परमात्मा की परिभाषा करना पड़ेगा, वो परमात्मा कहाँ है, क्या है, क्या गुण लक्षण है, इसकी परिभाषा न कर सकें, व्यवहार रूप में न उतर सके तो बोध नहीं होगा। जड़ चेतन दोनों हैं, ये व्यवहार में उतरते हैं। जड़ मिट्टी पानी आग हवा का स्वरूप है और उससे बने अनेक कार्य पदार्थ हैं। मिट्टी पानी आग हवा मूल और इनसे बने असंख्य कार्य पदार्थ, ये जड़ जगत है और चेतन इनका दृष्टा है। ये दोनों मूल हैं, जड़ प्रकृति और चेतन दोनों मूल हैं, इनका मूल और कोई नहीं। तो आत्मज्ञान पर विचार करने वाले सदा से रहे हैं। इस युग में, मध्य युग में कबीर साहब ने इसको काफ़ी खुलासा करके रखा है, निर्भय होकर के कहा है। नेरिन खोजें बतावें दूर, चौदिस बागुर रहल पूर, लक्ष्य हेरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जो हो चुकाओ कहें कबीर ताकि पूरी दाव। लोग निकट नहीं खोजते, दूर बताते हैं। नेरिन खोजें बतावें दूर, चौदिस बागुल रहल पूर, सब दिशाओं में जाल फैला हुआ है भ्रांति का। लक्ष्य हेरी एक जीव, एक जीव है और लाखों शिकारी इस पर शिकार करते हैं। अंदर का मन, अनेक प्रकार के दुर्गुण, अध्यास संस्कार, बाहर के कुसंग प्रेमी, बाहर से हमारे ऊपर डांका पड़ता है और भीतर से डांका पड़ता है। बाहर से कुसंगी लोग कुपाठ पढ़ाते हैं, भीतर अपनी वासनाएं। लक्ष्य हेरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ, इसलिए पीऊ पीऊ पुकारता, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, कौन बचाए? अब की बार जो हो चुकाओ, साहब कहते अब की बार अगर तुम चुका दो, सारी वासनाओं को छोड़ दो, कहें कबीर ताकि पूरी दाव, फिर पूरी दाव मिल गया, तुम्हें ही चुकाना है, कोई पीऊ आपको बचाने वाला नहीं।
ऐसा साफ कहने वाले पहले भी थे, अपने ढंग से थे, फिर आगे गड़बड़ा दिए। कबीर साहब गड़बड़ाते नहीं, साफ जो यहाँ कहते वही वो आगे कहते हैं। उनकी वाणी को न समझ पाने से पूर्वा पर उनकी वाणी में भी लोग जगह बनाते हैं और हर प्रकार के अर्थ करते हैं, वो अलग विषय है। कबीर जैसा लोकप्रिय पुरुष निर्विवाद नहीं हो सकता है, उसके सिद्धांत और उसकी सारी बातें निर्विवाद नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय है। ऐसा लोकप्रिय व्यक्ति को अपने अपने ढंग से लोग कहेंगे, वैष्णव अपने ढंग से कहेंगे, वेदांती अपने ढंग से, आर्य समाजी अपने ढंग से, मुसलमान अपने ढंग से, ईसाई अपने ढंग से, सभी लोग कबीर साहब पर काम किए हैं। तो कबीर ऐसे लोकप्रिय हैं कि अपने ढंग से लोग कहेंगे, कबीर तो है नहीं। कबीर की वाणी ही इस समय कबीर है, वाणी ही आधार है, उसी पर लोग समीक्षा करेंगे, विचार करेंगे। तो इसमें हमें उलझने की जरूरत नहीं। पारख दृष्टि ऐसी है जो कबीर साहब ने दी है, उसको जो ठीक से पा जाता उसको भटकना नहीं। उन्होंने स्वयं बता दिया है रास्ता, भूल मिटें गुर मिलें पारखी, पारख दे ही लखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। गांठी रतन मर्म नहीं जाने पारख लीना छोरी हो, कहें कबीर ये अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। सबके गांठ में रत्न है लेकिन लोग भेद नहीं जानते। जिसके पास पारख है वो उसको समझ लेता और छोड़ लेता है। तो साहब ने अपनी वाणी में ही कुंजी दे दी है, बीजक तो है ही है। बीजक सांकेतिक वचनों में धन का परिचय देने वाला कहलाता है। पुरा काल में याजावर लोग जो घूमने वाले खानाबदोश सोते थे, वह धन कमाने वाले धन कमाते थे, मांगने वाले मांगते थे, दोनों के पास धन होता था। तो अपने धन को सोना चांदी के रूप में करके कहीं गाड़ते थे, ऐसी जगह जहाँ निर्देशित ठीक से कर सकें। जैसे कोई बड़ा भवन है जो सैकड़ों बरस रह सकता है, या और भी कुछ ऐसा चिन्ह है, उसके आगे पीछे कहीं धन गाड़ते थे और कोड वर्ड में वो लिख लेते थे ताम्र पत्र पर, और उनकी परंपरा वाले उसे समझते थे, दूसरे नहीं, जिससे उसके द्वारा उसको समझकर धन खोद ले। अगर वो न रह जाए गाड़ने वाले तो उनके अनुगामी निकाल ले, उसको बीजक कहा जाता था। आज भी जब माल बेचते हैं व्यापारी तो उसका लेखा जोखा जिसमें करते उसका बीजक ही नाम होता है। बीजक वित्त बतावे, जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। तो बीजक में सांकेतिक वचन होते हैं। कभी साहब बीजक में भी सांकेतिक वचन बहुत हैं। मानस शंका समाधान गीता प्रेस से एक निकला है बहुत दिन से, उसमें लिखा है कि रामचरित मानस में जगह जगह बीजक वचन है। तो उसमें भी उसका अर्थ यही है, सांकेतिक वचन है। तो कबीर साहब ने संकेत तो किया ही, खुलासा भी कर दिया, रास्ता दिखा दिया। कुल मिलाकर के अपने नगर में पहुंचना है। चलते चलते पग थका नगर रहा नवकोस, बीचे ही में डेरा परा कहो कौन को दोष। चलते चलते पैर थक गए, बचपन से बूढ़ा हो गए, दुनिया से थक गए, संतोष नहीं पाए। नगर अभी दूर है, बीच में डेरा पड़ गया, बूढ़ा गए, मरने का समय आ गया। साहब प्रश्न करते हैं, व्यंग करते हैं, किसको दोष है?
दूसरे को दोष दे नहीं सकते हो, आपका दोष है, आपने ठीक से समझा नहीं, बूझा नहीं, तत्पर होके काम किया नहीं, जागृत हुआ नहीं, मोह छोड़ा नहीं, भ्रम छोड़ा नहीं, आपका दोष है, किसी का दोष दूसरे का नहीं। भगवान की माया ने भटका दिया, ब्रह्म की माया ने व्यामोहित कर दिया, शैतान ने भटका दिया, ये सब बिल्कुल बहानेबाजी है। अपनी भूल, अपना प्रमाद, अपना आलस्य, सुखाध्यास, भ्रांत, हमारे ही मानसिक रोग ने, अविद्या ने, अज्ञान ने हमें अपने नगर में पहुंचने में बाधा बना, कोई दूसरा बाधा नहीं। हम लोगों का समय है, पता तो नहीं है, लेकिन अभी ठीक है, जल्दी लगें, अपने नगर में पहुँचें। मैंने बीच में कहा था, निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। जो गुरु के नगर में पहुँच जाता है वो निर्भय होकर के सुख से सोता है। बाहर का गुरुनगर सत्संग है, और वो सत्संग उस गुरुनगर को बताता है जो आपके अंदर है, आपका आपा है, अपने आप में पूर्ण रूप से लौट आना, अपने नगर में पहुंच जाना है।